हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ यानी कि एक प्रसन्नचित जीवन के गुण इस लेसन के रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन का अध्ययन करेंगे। जो आपका पहला स्टैंजा है वह है हाउ हैप्पी से लेकर अटमोस्ट स्केल तक। तो फ्रेंड्स, यह यूपी बोर्ड क्लास 12th के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण लेसन है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें जिससे कि आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इस बार जो आपसे रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा वह है 10 मार्क्स का पूछा जाएगा फ्रेंड्स, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसकी जो स्टार्टिंग है, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, वह व्यक्ति जन्म अथवा शिक्षा से कितना प्रसन्न है। दैट सर्वर्थ नॉट एनोदर्स विल, जो दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता है। और आगे है उसी में कि हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसके ईमानदारी के विचार ही उसकी सबसे अच्छे सुरक्षा कवच होते हैं। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और उसकी साधारण सी सच्चाई ही उसका सर्वोत्तम कुशलता होती है। तो फ्रेंड्स, पहले इसका रेफरेंस देख लेते हैं। तो आप इसका रेफरेंस इस प्रकार से लिख सकते हैं, रेफरेंस जैसे आप हिंदी में कहते हैं संदर्भ, तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। उसके बाद जो पोएम दिया है फ्रेंड्स, उसे आप कॉमा में लिखेंगे, यानी कि यह स्टैंजा पोएम से लिया गया है। उस पोएम का नाम है, तो वह सभी लेटर कैपिटल होने चाहिए जो पहला दिया गया है। तो कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, और सिंगल कॉमा में ही आप बंद कर देंगे। चाहे तो आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं इसे, यानी कि दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, यानी कि यह स्टैंजा कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ नामक पोएम से लिया गया है। और कंपोज्ड वाई, जो जिसने इसे कंपोज किया है उसे भी सिंगल कॉमा के अंदर लिखेंगे, तो सर हेनरी वॉटन, सर हेनरी वॉटन, और इसे सर हेनरी वॉटन ने कंपोज्ड किया है। तो फ्रेंड्स, सभी पोयम के लिए जितने भी हैं रेफरेंस लिखने के लिए केवल आपको इतना तो सेम ही लिखना है, बस कॉमा में आपको जो पोयम का नाम दिया गया है उस पोयम के नाम को लिख देंगे, और कंपोज्ड आपका सेम ही रहेगा। उसके बाद केवल आपको उसके पोएट का नाम चेंज कर देना है। तो पूरा है, दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन, यानी कि है स्टैंजा कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ नामक पोयम से लिया गया है जिसे कंपोज किया है सर हेनरी वॉटन ने। तो फ्रेंड्स, इसका कॉन्टेक्स्ट और देख लेते हैं कॉन्टेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताऊं कि यह पोयम का कोई भी स्टैंजा आपको देखने को मिले तो यह कॉन्टेक्स्ट जो होगा आप सभी स्टैंजा पर एक ही लगा सकते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी पोयम में ही पोएट ने एक प्रसन्नचित व्यक्ति के गुणों के बारे में ही बताया है। तो आप लिखेंगे कि इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स, यानी कि इस पोएम में द पोएट डिस्क्राइब्स, यानी कवि वर्णन करता है द क्वालिटीज ऑफ अ रियली हैप्पी मैन। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, आप इसका कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं कि इस पोयम में द पोएट डिस्क्राइब्स द क्वालिटीज ऑफ अ रियली हैप्पी मैन, कि पोएट एक वास्तविक प्रसन्नचित व्यक्ति के गुणों का वर्णन करता है। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन लिखना सिखाऊंगा।
तो फ्रेंड्स आप इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी एक्सप्लेनेशन जैसे आप हिंदी में कहते हैं व्याख्या। तो फ्रेंड्स पहले आप दो जो लाइन दी गई हैं स्टार्टिंग की उन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्वार्थ नॉट एनदर्स वेल, यानी वह व्यक्ति जन्म अथवा शिक्षा से कितना प्रसन्न है जो दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता है। तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पोइट, अकॉर्डिंग टू द पोइट यानी कि लेखक के या पोइट के अनुसार अ मैन हु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स। अकॉर्डिंग टू द पोइट यानी कि पोइट के अनुसार अ मैन यानी एक व्यक्ति हु माने जो इज नॉट नहीं होता है डिपेंडेंट निर्भर ऑन अदर्स दूसरों पर, यानी पोइट के अनुसार एक व्यक्ति जो दूसरों पर निर्भर नहीं होता है। कॉमा देने के बाद आप लिख देंगे इज अ रियली हैप्पी मैन, इज अ रियली हैप्पी मैन, वह एक वास्तविक प्रसन्नचित व्यक्ति होता है। यानी कि पोइट के अनुसार एक व्यक्ति जो दूसरों पर निर्भर नहीं होता है वह एक प्रसन्नचित व्यक्ति होता है, इतना आप लिख सकते हैं। आगे लिख सकते हैं अब जो दूसरों पर निर्भर नहीं होगा फ्रेंड्स उसी में दिया गया है कि दैट सर्वर्थ नॉट एनदर्स विल, जो दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स जो आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं वह प्रेजेंट में रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप लिख सकते हैं कि ही डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द, वहां फ्रेंड्स विल दिया है तो आप लिख सकते हैं यहां पर डिजायर ऑफ अदर्स, ही डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द डिजायर ऑफ अदर्स, यानी वह दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता है। तो वह दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता है तो फ्रेंड्स आप जान रहे हैं कि वह अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है, करता होगा जिन्हें वह उचित समझता है। तो आप आगे लिख सकते हैं कि ही वर्क्स अकॉर्डिंग टू हिज डिजायर्स, यानी कि ही वर्क्स अकॉर्डिंग टू हिज डिजायर्स, यानी वह अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है, वह अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है जिन्हें वह उचित सोचता है या समझता है। तो आगे लिख सकते हैं फ्रेंड्स आप इसमें टू वॉट जिनको ही थिंक्स प्रॉपर, जिन्हें वह उचित समझता है। तो पूरा है फ्रेंड्स कि अकॉर्डिंग टू द पोइट यानी कि पोइट के अनुसार अ मैन हु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स, एक व्यक्ति जो दूसरों पर निर्भर नहीं होता है इज अ रियली हैप्पी मैन, वह एक वास्तविक प्रसन्नचित व्यक्ति होता है। तो आगे उसमें कहा गया है कि दैट सर्वर्ट नॉट एनदर्स विल, जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। तो इसे आप अपने शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं ही डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द डिजायर ऑफ अदर्स, यानी वह दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। तो वह फ्रेंड्स जानते हैं कि दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता है तो वह स्वयं की इच्छाओं के अनुसार कार्य करता होगा। तो आप लिख सकते हैं ही वर्क्स अकॉर्डिंग टू हिज डिजायर्स टू व्हाट ही थिंक्स प्रॉपर, वह अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है जिन्हें वह उचित समझता है। तो अगली लाइन में फ्रेंड्स कहा गया है हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसके ईमानदारी के विचार ही उसके सर्वोत्त यानी कि उसका सुरक्षा कवच होता है। तो आप इसे ट्रांसलेट करेंगे तो ही इज ऑलवेज He is always honest. वह हमेशा ईमानदार होता है
और आगे लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हथियार या औजार की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप आगे लिख सकते हैं कि ही डज नॉट नीड आवश्यकता नहीं होती है नीड ही डज नॉट नीड एनी वीपन फॉर हिज प्रोटेक्शन। तो जो आपकी अगली लाइन दी गई थी कि हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसके ईमानदारी के विचार ही उसके सुरक्षा कवच होते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति ही इज ऑलवेज है, यानी कि ऑनेस्ट, ऐसा व्यक्ति हमेशा ही ईमानदार होता है। ही डज नॉट नीड एनी वीपन फॉर हिज प्रोटेक्शन, और उससे अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी औजार या हथियार की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है फ्रेंड्स, उसी में आगे बताया गया है कि हिज एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्केल, यानी कि उसकी जो साधारण सी सच्चाई होती है वही उसकी सर्वोत्तम कुशलता होती है। तो आप लिख सकते हैं कि उसी लाइन में हिज ऑनेस्टी यानी उसकी ईमानदारी, इसी लाइन को कर रहे हैं कि हिज ऑनेस्टी उसकी ईमानदारी हिज बेस्ट वीपन, हिज बेस्ट वीपन यानी कि उसकी ईमानदारी ही उसका सबसे अच्छा हथियार होती है। जैसा कि कहा गया है कि हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्टी थॉट, यानी उसके ईमानदारी के विचार ही उसके सर्वोत्तम या जो उसके सुरक्षा कवच होते हैं। तो आप लिख सकते हैं हिज ऑनेस्टी उसकी ईमानदारी हिज मान होती है हिज बेस्ट वीपन उसकी सर्वोत्तम या सबसे अच्छे हथियार या औजार। आप चाहें तो फ्रेंड्स इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे देखते हैं लास्ट लाइन को। तो फ्रेंड्स आपके अंतिम लाइन है एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्केल, यानी उसकी साधारण सी सच्चाई ही उसकी सर्वोत्तम कुशलता होती है या योग्यता होती है। तो आप लिख सकते हैं कि वह साधारण से जीवन में ही विश्वास करता है, तो ही बिलीव्स इन सिंपल ट्रूथ ऑफ लाइफ। यही कहा गया है एंड सिंपल ट्रूथ, और उसकी साधारण सी सच्चाई, तो यानी कि लिख सकते हैं आप ही बिलीव्स इन सिंपल ट्रूथ ऑफ लाइफ, वह जीवन के साधारण सच्चाई में ही विश्वास करता है। आगे कहा गया है कि हिज अटमोस्ट स्केल उसकी सर्वोत्तम कुशलता होती है, तो आप लिख सकते हैं दिस सिंपल ट्रूथ इज हिज बेस्ट, वहां पर स्किल दिया है फ्रेंड्स, आप चाहें तो उसे एबिलिटी में लिख सकते हैं, तो एबिलिटी। तो आप इस प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं कि ही बिलीव्स इन सिंपल ट्रूथ ऑफ लाइफ, वह जीवन के साधारण सच्चाई में ही विश्वास करता है। दिस सिंपल ट्रूथ इज हिज बेस्ट एबिलिटी, और यह साधारण सी सच्चाई ही उसकी सर्वोत्तम योग्यता होती है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको एक्सप्लेनेशन लिखना क्लियर हुआ होगा। आप जितना बेहतर लिखेंगे, उतना बढ़ाकर लिखेंगे, तो उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। तो फ्रेंड्स अगले स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन अगले वीडियो में मैं कंप्लीट करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।